नमस्कार, मैं हूं स्मेल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। जर्जर सहकारी समिति विदित हो रहा खाद, दुर्घटना का दावत। खबर चंदौली चक्के तहसील अंतर्गत सिकराज, जहां चर्च सहकारी समिति के भवन दुर्घटना के दावत देता नजर आ रहा है। बताते चले कि सिकारगंज में सहकारी समिति के भवन का निर्माण 1979 हुआ था, जिसके बाद आज तक मरम्मत भी नहीं हो पाया। स्थिति यह है कि चर्च छत होने के कारण बारिश में पूरे मकान में पानी टपकता रहता है, जिसके कारण खाद भी पन्नी की छत पहना कर रखा जाता है। यही नहीं कि पूरे परिसर में कीचड़ पसर जाता है, जिससे किसान के खाद लेने के भी दिक्कत पड़ा है। बड़ा सवाल यह है कि इस प्रकार की सुविधा के सहारे सरकार द्वारा किसानों की स्थिति सुधारने की बात की जा रही है, पर हो नहीं रहा है। रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। हाँ सर, आपका क्या नाम है? विजय चौधरी। सर, यहाँ पर जो कारपेट्री का सिकारगंज जो व्यवस्था है सहकारी समिति का, इसका सर हम जब से आए देखें एक सर बहुत जर्जर व्यवस्था है, इस पर आप लोग क्या किए हैं? जी, हम लोगों को पहले तो वेतन नहीं मिल रहा है, चार चार साल पर हो गया है वेतन मिले। यहाँ पर व्यवस्था कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, ना खाद का भी कढ़ार क्यों आ रही है। और कोई व्यवस्था, पहले धान खरीदाता था, गेहूँ खरीदाता था, अब कुछ नहीं, ना धान खरीदे ना गेहूँ खरीदे, अब केवल वही खाद आ रहा है। साहब, सीजन बीतने जा रहा है और कम से कम 750 बोरी डी ए पी आई है, 850 बोरी। सर, आपका वेतन कितने दिन से नहीं मिल रहा है? वेतन सर 4 साल से। सर, इसके लिए आप आगे कोई सरकारी से, कर्मचारी से या किसी से बात किए हैं, अधिकारी से? अधिकारियों से बात होता है सर, तो कहते हैं ठीक है, कमीशन बेसिस पर हम लोग हैं सर, करो जो जो होगा वेतन मिलेगा। सर, आपका क्या नाम है? लालचंद। सर, आप कितने दिन से यहाँ पर कार्यरत हैं? 93। सर, आपके एक सहपाठी बोले हैं कि सैलरी 4 साल से नहीं मिल रही है आपको? 3 साल बस। सर, तो अधिकारी क्या बोलते हैं? कहते हैं कि अब वही कमीशन बेसिस पर अपना लोग खाद बीज पर बेच करके व्यवसाय करिए, तब उसमें आपको मिलेगा, न व्यवसाय हो रहा है न मिल रहा है। सर, हम आए हैं यहाँ पर, जो जितना जर्जर व्यवस्था है इसके लिए आप लोग कहीं लिखित दिए हैं? नहीं, अभी तो कहीं। सर, अच्छा ये बताइए कि आप लोग जो कम व्यवस्था देखे हैं, बहुत जर्जर है, छत चू रही है, खाद कैसे रखा जाएगा, आपके फाइल रजिस्टर अच्छा से नहीं है, टेबल कुर्सी अच्छा से नहीं है, यहाँ पर देखें तो गेट अच्छा से नहीं है, इसके लिए आप लोग अधिकारी से कोई प्रशासन से व्यवस्था किया गया है? हाँ, दिए हैं हम लोग, बहुत दिए, मगर जो उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। सुनवाई नहीं हुआ। हाँ। सर, बुद्धू प्रसाद। सर, आप कितने दिन से कार्यरत हैं? सर, हम 94 से। आपको सर सैलरी उरी बारे में मिला बिल्कुल? सैलरी साहब 4 साल से मिलता हूँ, लखनऊ 2 बार गए तो वहाँ हुआ कि आप लोगों को मुख्यमंत्री जी, हाँ, सरकारीकरण किया जाएगा, आप लोगों को जनवरी से 25,000 मंथली दिया जाएगा और कमा कर तुम लोग अपना पूरा करोगे, लेकिन सर कुछ नहीं मिला आज तक। लखनऊ 2-2 बार गए मुख्यमंत्री जी के यहाँ, सचिव, मुख्यमंत्री का सचिव साहब बोलना कि 25,000 मंथली आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। सर, ये सिकारगंज किसान सेवा सहकारी समिति का जो गठन हुआ यहाँ पर 1969 का, अब हम अब देखें 79 का, और सर हम देखें छत चूरा है, बरजा टूटी हुई है, टेबल कुर्सी नहीं है, खाद रखने की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए नहीं रखने की व्यवस्था है, तो इसके लिए सर अधिकारियों से बात हुई आप लोग की? कई बार सरकार कोई नहीं सुनता है सर, कोई नहीं सुनता है। हाँ, हम लोगों से जितने ऊपर अधिकारी हैं साहब 60,000, 65,000, 70,000, 80,000 तनख्वाह पाते हैं, हम लोग 4 साल से हुजूर एक टुकड़ावा नहीं मिल रहा है। सर, तो खाद के रखने क्या व्यवस्था है? तो अब खराब है सर, आता है तुरंत बेच दे रहे हैं, एक गाड़ी आ रहा है तुरंत उठ जा रहा है, नहीं तो रखने के लिए जगह नहीं है। सर, देखे गेट का भी जर्जर व्यवस्था है, छत की व्यवस्था जर्जर है जी, इसके लिए आप लोग क्या? बिहार में सर राजकीय है सोसाइटी, गुजरात में राजकीय है, हम लोगों का
सहकारीकरण है। धन्यवाद।